नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी आवाज जो लोक के रंगों में रची है, बसी है, पगी है। एक ऐसी आवाज जो कि लोक में ही बड़ी हुई है। एक ऐसी आवाज जिसके बिना शादी विवाह अधूरा लगता है। एक ऐसी आवाज जिसके बिना कोई भी मुहूर्त अधूरा लगता है। एक ऐसी आवाज जिसके बिना छठ अधूरी लगती है। ऐसी ही आवाज हमारी आज की तेजस्विनी शारदा सिन्हा। जब कहीं भी भोजपुरी लोकगीतों का जिक्र होता है तो शारदा सिन्हा का नाम आना लाजमी हो जाता है। बिहार कोकिला नाम से सुविख्यात शारदा सिन्हा ने मैथिली, भोजपुरी, मगही, बजिका सहित आधा दर्जन से ज्यादा बोलियों और भाषाओं में पारंपरिक लोकगीतों को देश में ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय बनाया है। छठ के पारंपरिक गीत हों या विवाह के मौके पर गाए जाने वाले संस्कार गीत, इस विधा में शारदा सिन्हा का कोई सानी नहीं। शारदा सिन्हा ने पारंपरिक लोकगीतों को आम लोगों तक पहुंचाया ही नहीं बल्कि इसे संरक्षित भी किया। शारदा जी को बचपन से ही नृत्य और गायन में जबरदस्त दिलचस्पी रही। मणिपुरी नृत्य में आपने महारत हासिल की, लेकिन लोकप्रियता लोक गायन में इतनी अधिक हासिल हुई कि नृत्य और गजल गायकी पीछे छूट गई। चार दशकों से लगातार लोकप्रियता के शिखर पर रहने वाली शारदा सिन्हा ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। हमारे पिया तार बिजली से पतले, हमारे पिया और सासु, बता तूने ये क्या किया। बिहार गौरव, बिहार रत्न, पद्मश्री और इस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं एक सुप्रसिद्ध आवाज, एक ऐसी आवाज जो कि लोक में रची बसी है, शारदा सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत है तेजस्विनी में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से अपने समस्त दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। तो ये जो लोक का रंग आपकी आवाज में निकल कर आता है, जिसके बिना अधूरे लगते हैं उत्सव, कहाँ से आता है? इसका जो झरना है वो कहाँ से फूटता है? ये तो हमारे संस्कारों में रचा हुआ है और मेरी गाँव से मेरा लगाव रहा है। मैं जब पढ़ती थी तो छुट्टियों में गाँव जरूर जाती थी और वहाँ मिट्टी की खुशबू हमें बहुत भाती थी। तो वहाँ के मिट्टी की खुशबू से पगी हुई जो चीज़ें थी, लोक संगीत वहाँ के जो थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मैं उनको गुनगुनाती रहती थी। जो दूसरे भी गाते थे उन्हें भी मैं उनसे पूछ पूछ के सीखती थी और उसे बढ़ाने, संवर्धन करने का काम करती थी उन दिनों जी। तो ये जो लोक की यात्रा है ये इतने वर्ष से चली चली आ रही है और हम जानते हैं कि हाल ही में आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पहले तो उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। किस प्रकार से आप ये जो कह रही हैं कि एक यात्रा है जो चल रही है अनवरत और जो मिट्टी से जुड़ी हुई है, अक्सर मिट्टी को भूल जाते हैं लोग। बिल्कुल, वही तो मुझे भी कहना है कि सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी मिट्टी को ना भूलें, क्योंकि हमारी मिट्टी जो है वही हमारा संस्कार है। वहीं से हम शुरू से लेके प्रारंभ से और अंत तक तो मिट्टी ही है। तो फिर मिट्टी की ये सुगंध थोड़ी सी यहाँ भी बिखर जाए। निश्चित रूप से मैं सबसे पहले माँ जगदम्बा की वंदना दो लाइन में करना चाहूँगी, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था ये मेरा जो गीत है। जगदम्बा घर में दियरा बार वैनी है, जगतारण घर में दियरा बार वैनी है, जगदम्बा घर में दियरा कंचन थार कपूर के बाती, कंचन थार कपूर के बाती, मैया के आरती उतार आईनी है, जगदम्बा घर में दियरा।
कितना खूबसूरत है। शारदा जी ये बताइए कि घर में क्या कोई संगीत का उस तरह से, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई संगीत का माहौल था घर में और लोग भी गाते थे, क्या इस तरह की कोई चीज थी घर में या नहीं? मेरे ये झरना स्वतः ही फूटा। बिल्कुल मेरे घर में संगीत पहले से नहीं था, पर मेरे पिताजी को मैं जरूर याद करना चाहूंगी कि ये उनकी प्रेरणा थी। वो संस्कृत के श्लोकों को गा के बताते थे मुझे, आज भी याद है वो कोई श्लोक जो गाते थे, एकस्य दुःखस्य न जावदन्तं गच्छाम्यहं पारमिवारणस्य, ऐसे गाते थे तो मुझे वो छंद याद हो जाते थे गुनगुनाने की वजह से। और उनकी एक सोच थी, दूरदर्शिता थी उनमें, उस जमाने की बात है कि जिस बच्चे की अभिरुचि जिधर हो उधर जाने देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए सिद्ध हुई, क्योंकि अगर ये सोच उनकी नहीं होती तो उस जमाने में लड़कियों का पढ़ना मुश्किल था, गाना गाना और मंच पर गाना और रिकॉर्डिंग और ये सब तो बहुत मुश्किल थी। तो फिर किस किस से आपने सीखा, कैसे ये संगीत की यात्रा शुरू हुई? जब उन्होंने, मेरे पिताजी ने देखा कि इसमें वो गुण है, ये करना चाहती है, गीतों को गुनगुना के गाती बचपन से ही। पोएम्स कोई होते थे तो उसको मैं एक्शन में गाती थी। तो उन्होंने गुरु मेरे लिए एक शिक्षक रखा, संगीत शिक्षक। अच्छा। और वो पंचगछिया घराने से थे, पंडित रामचंद्र झा जी, उसके बाद फिर पंडित रघु झा जी जो पंचगछिया घराने के गायक थे, बहुत ही नामचीन गायक थे। और उनको रखा गया कि सुरों की साधना जो है, जब इसकी इतनी इच्छा है या ऐसा कर रही है तो शायद कहीं संगीत में इसकी रुचि है, उनको बुलाया गया। तो उन लोगों ने भी पहचाना, उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से मुझे तराशने का काम किया, क्योंकि ऐसे में तो मिट्टी का एक लोदा होता है जिसको लोग तराशा, कोई तराशने वाला होना चाहिए। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से वो सिखाया स्वर साधना, और मैं रियाज करने लग गई और धीरे धीरे मैं स्कूलों में हर जगह परफॉर्म करने। तो फिर मतलब आपने क्लासिकल सीखना शुरू किया, लेकिन फिर क्लासिकल से आप बिल्कुल लोक में कैसे, आपका ये शिफ्ट कैसे हुआ? ये दरअसल शिफ्ट क्लासिकल में सीखती रही, सुनती रही और प्यार करती रही क्लासिकल को। पर हुआ ये कि मेरे घर में ही, मेरे बड़े भैया की शादी थी तो मेरी बड़ी भाभी ने कहा, उनसे भी जो बड़ी थी उन वो भाभी ने कहा कि आप नेग कैसे मांगेंगी, आता है कोई गीत नेग? तो उन्होंने कहा नहीं, गीत तो नहीं आता है पर नेग तो चाहिए, तो नेग तो नहीं मिलेगा तो गाना सीख लीजिए, दो लाइन भी नहीं गाइएगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा। हमने कहा भाई नेग तो चाहिए मुझे, तो उन्होंने गाया, मैंने वो कैच कर लिया, सीख लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या था वो जरूर सुनाऊंगी मैं। और उसमें मैंने, चूंकि मैं क्लासिकल सीख रही थी तो वो गायकी जो है कहीं ना कहीं तो अपना रंग ले आती है। बिल्कुल। तो जो गाँव में ठेठ तरीके से गाया जाता था वैसे नहीं करके उसी गीत को हमने ऐसे गाया, द्वार के छिकाई नेगा, और ये गीत मैथिली में था। अच्छा। और मैं बता दूं कि सबसे पहले मेरा यही गाना 1971 में HMV ने रिकॉर्ड किया था मैथिली। अच्छा। द्वार के छिकाई नेगा पहिने चुकयो यो दूलरुआ भैया, तब जइहा को हबरुआ पान हे दुलरुआ भैया, ससुर के कमाई दलहा बहिनी के दियो ये दुलरुआ भैया, तब दीहा पन कमाई हो दुलरुआ भैया। वाह। तो ये बताइए कि जब ये साधना जो शुरू हुई आपकी, फिर कहते हैं ना कि एक मंजिल की तरफ आदमी जाना चाहता है, आप चाहते हैं परफॉर्म करें, तो फिर ये उस समय तो बड़ी बड़ी तमाम रिकॉर्ड कंपनियां थी, तो वहाँ पर कैसे आपका पदार्पण हुआ? वहाँ ये हुआ कि 1971 में जो है HMV ने एक टैलेंट सर्च करके किया था, अखबार में इश्तहार आया इसका, और HMV का स्टूडियो उन दिनों लखनऊ में वो चलता फिरता स्टूडियो, वो लेके आते थे, एक महीने रुकते थे। अच्छा। और वो चले जाते थे टैलेंट्स को ढूंढ के। तो वहाँ उनका वो स्टूडियो लगा, और हम लोग जब जानने के बाद वहाँ पहुँचे पहुँचे तो जिस दिन मैं पहुँची उस दिन बहुत भीड़ थी। मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा संगीत से प्यार था, उनको भी रुचि थी, इसीलिए खप गई मैं, वरना पता नहीं क्या होता। बिल्कुल। तो मैं पहुँची वहाँ पे और ऑडिशन में शामिल हुई।
शामिल तो हुई, पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि अनॉयड होके लोगों ने सबको डिस्क्वालीफाई करना, पता नहीं क्यों सब सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे थे, उसमें एक दो छोड़ के मुझे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। मैं बहुत दुखी हुई, मैंने अपने पतिदेव से कहा कि अब आज तो मुझे फेल कर देगा तो मैं चली अब अपना गला ही खराब कर लेती हूँ, अब तो गाने मिला नहीं तो मैं चली गई अमीनाबाद। हम लोग जाके खूब कुल्फी खा के और लगा कि गले ही बिगाड़ लूंगी, पर इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, चलो हम लोग एक बार फिर कोशिश करते हैं, लड़ते हैं उनसे जाकर। सही, हम लोग गए नेक्स्ट डे शाम को ही, हम लोग जाके हम बात किया उनसे, और मुरली मनोहर स्वरूप जी रिकॉर्डिंग ऑफिसर थे, बड़े सहज व्यक्ति, बड़े सुधी व्यक्ति, तो बड़ा उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, कल आप लोग आ जाइए। तो हम कल नेक्स्ट डे फिर गए, और नेक्स्ट डे जब हमने गाया तो यही गाना हमने गाया था उस समय में जो हमने अपने घर में सीखा था, तो वही गाना गाया, फिर और भी कुछ एक आध दो और भी गाया, और इत्तेफाक देखिए ईश्वर की कृपा, भगवती की ये कृपा कि बहुत अच्छा लगा लोगों को, और मुझे अंदर से बुलाहट आई। अच्छा। वो अंदर वो बूथ होता है ना काला काला, दिखता नहीं है कौन बैठा है, तो उस समय तो मैं छोटी थी, कम उम्र थी, मैं बहुत डर गई कि पता नहीं अंदर फिर मुझे डिस्क्वालीफाई किया। मैं गई अंदर, अंदर गई तो लोगों ने कहा पहचानती है इनको, उनका नहीं, लेकिन प्रणाम कीजिए ये बेगम अख्तर जी हैं। ओहो, तो आप समझिए कि बेगम अख्तर का नाम सुन करके, उस समय मैं जानती नहीं थी उनको बहुत ज्यादा, पर बेगम अख्तर है ये लोग सब कह रहे हैं, कंपनी के लोग कह रहे हैं प्रणाम कीजिए। मैंने प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे कहा कि बेटा आवाज तुम्हारी बहुत अच्छी है, रियाज करो तो बहुत आगे जाओगे, तो ये आशीर्वाद उनका मिला, और मेरे ख्याल से यही आशीर्वाद जो है फल गया आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और आप यहाँ तक पहुँची हैं, कामयाबी तक पहुँची हैं। और एक छोटा सा ब्रेक हम तेजस्विनी में लेंगे। शारदा सिन्हा जी, जानी मानी लोक गायिका, एक सुप्रसिद्ध लोक गायिका बिहार की, हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। बीड़ी, सिगरेट का धुआं धूम्रपान ना करने वालों के लिए भी हानिकारक है। ये गले से अंदर जाके ना सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कुछ ही मिनटों में खून को गाढ़ा करके दिल तक जाने वाली मुख्य नसों को नष्ट कर देता है। इससे दिल में खून संचार कम होने लगता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। पैसिव स्मोकिंग जानलेवा है, इसे नकारें, तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-23-56 पे कॉल करें। तो आज हम मुलाकात कर रहे हैं तेजस्विनी में शारदा सिन्हा जी से, जिन्होंने एक लंबी लोक गीतों की जो यात्रा है उसे आज तक वो निभा रही हैं और पूरे दमखम के साथ इस मैदान में डटी हुई हैं। ये बताइए कि बहुत सारे गाने वाले अब तो लोक में आ गए हैं, लेकिन क्या वजह है कि उसमें ना तो वो रस हमको मिलता है, ना वो मिट्टी की सौंधी गंध मिलती है, क्या कारण मानती हैं आप इसका? देखिए नीलम जी, ये तो सुनने वाले का प्यार है, वो सुनते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। सबसे पहले तो हमारे उन श्रोताओं को, दर्शकों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने सुन सुन के मुझे लोकप्रिय बनाया। पर एक बात जरूर है कि मेरी एक आदत रही है कि मैं जिस भी गीत को गाती हूँ उसमें ढल के गाती हूँ, मैं उस गीत में खो जाती हूँ। मैं गीतों के चयन बहुत सोच समझ के करती हूँ, शब्दों को अगर शब्द कुछ मुझे खटकते हैं तो मैं उन शब्दों को बदल के गाती हूँ, और धुनों पर, सारी चीज़ों पर मैं बहुत काम करके फिर एक गीत तैयार। यही कारण है कि मेरे गीत जो रिकॉर्ड होते थे वो एक दिन में चार गाने रिकॉर्ड नहीं होते थे, समय लगता था और तब वो जाके रिकॉर्ड एल्बम या कोई चीज़ तैयार होता था। और यही वजह है कि हम जानते हैं कि छठ पूजा जो है आपके गीत के बिना अधूरी रहती है, तो क्यों ना कुछ एक छठ का गीत आप हमें सुनाएं। जरूर, छठ में अभी शुरू से ही मैं गाती रही हूँ, छठ मैया की बहुत कृपा रही है और लोगों का एक अटूट विश्वास मुझ पर। छठ में जैसे लोग सामान खरीदते हैं ना छठ का, जाते हैं तो मुझे एक कोई मिले थे तो उन्होंने कहा कि हम लोग जब सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें आपका एल्बम भी खरीदते हैं उसी सामान की तरह, ये दिन ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए वो भी चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई थी। एक्चुअली क्या है कि छठ के गाने लिमिटेड धुन के होते थे पहले, हमने भी उन्हीं धुनों को गाया है, पर हर जगह अपनी गायकी का असर उस पर जरूर पड़ जाता है। ये मेरा मानना है कि हम कैसी आवाज़ भगवान ने दी है, मैंने उसको स्वर साधन से कैसे संवारा है, बिल्कुल, और फिर हमने जो सीखा है उस गायकी
जो गायकी मैंने सीखा है उस गायकी का कहीं ना कहीं पुट उस गायन में ज़रूर आ जाता है। अभी लेटेस्ट जो छठ का मेरा एल्बम आया था वो अब तो पहले 8-10 गानों का जो कल्चर था वो तो अब है नहीं, वो तो एक दो करके आते हैं। बिल्कुल। तो मेरा चैनल है स्वर शारदा, उसके उसी से ये निकाला था हमने और अंशुमन जी इसके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने निकाला इसको और इसमें कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के साथ में वो एल्बम आया था और वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। आज तो मीडिया तो बहुत फैली हुई है हर तरह से, तो हम लोगों ने ग्रास रूट पर ये काम किया शुरू से आज तक। पर ये जो लास्ट एल्बम जो अभी लेटेस्ट जिसको कह सकते हैं वो गाना मैं आपको सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। ये परंपरा के लिए विशेष करके कि जो लोग बाहर बस गए हैं, जो नहीं जानते कैसे किया जाता है, विधान नहीं जानते, वो छठी मैया से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हुए पर परंपरा को निभाने की कोशिश करते हुए इस गाने में वही बात। पहले पहले हम कहनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करी हा क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। कितना खूब है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने आप तो गज़ल भी आपने गाई है जी। है ना, और बहुत ही खूबसूरत ना, तो गज़ल में क्यों नहीं और आगे आप गईं? एक्चुअली गज़ल गाया मुझे बहुत प्यार भी था गज़ल से और आज भी मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे नज़्म वगैरह कुछ गाने में वैसे बहुत मुझे अच्छा लगता है। पर जिस समय मैंने गज़ल गाया था उसी समय ये लोक गीत का भी मेरा एल्बम आया था और इत्तेफाक से ये ज़्यादा आगे निकल गया तो फिर ऑफर भी आने लग गए इसके बहुत ज़्यादा लोक संगीत का भी, तो मैंने भी उसको मैं गाती चली गई पर मैंने गाना नहीं छोड़ा गज़ल को, भजन गीत गज़ल इन चीज़ों को मैंने छोड़ा नहीं, मैं गाती रही। मुझे एक गज़ल है जो अहमद फराज उनकी है, तो पर उसके पहले जो दो चार वो जो नज्म के रूप में जो मैं गाती हूँ वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसको सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। तेरी दुनिया में ए खुदा जीने के काबिल नहीं, जिस खुशी की थी तमन्ना वो खुशी हासिल नहीं, हमने देखी है हजारों हजारों गर्दिशे, मांगू तो तुझसे क्या मांगू, तू देने के काबिल नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। तो अभी कभी लगता है कि गजल में थोड़ा जाना चाहिए? और बिल्कुल है? लगता है, बिल्कुल लगता है। और मैंने सोचा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स है करने को, तो उसमें मैं एक आध वो भी करूँगी। बिल्कुल। अच्छा, बॉलीवुड में भी तो आपकी एंट्री हुई जी, और बॉलीवुड में भी आपने गाया, भले ही कम फिल्मों में गाया, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा वो भी, क्योंकि जो गाने मुझे मिले गाने के लिए वो बहुत अच्छे थे और वो शब्द इतने अच्छे थे, लोक भी उसमें था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो गाना। और बॉलीवुड में जो सुपर डुपर हिट फिल्म हुई है मैंने प्यार किया, बिल्कुल वहाँ से मैंने एक लाइन जरूर एक लाइन कहे तो से सजना, कहे तो से सजना ये तुहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं
तोहरी बलैया मैं पग पग लिए जाऊं, तोहरी बलैया बदरिया से बरसो घटा बन के छाऊं, जिया तो ये चाहे तोहे अंग लगाऊं, लाज निगोड़ी मोरी रोके है पोइया। बहुत सुंदर। अच्छा, और गैंग ऑफ वासेपुर में बिल्कुल ही अलग रंग का गाना आपने जी वो बिल्कुल गाया, अलग था ना? मैं तो पहले डर गई थी गैंग ऑफ वासेपुर, पता नहीं क्या होगा उसमें बिल्कुल, पर जब गाना मिला स्नेहा खनवलकर जी का वो म्यूजिक था तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल डिफरेंट गाना, बिल्कुल डिफरेंट था। आगे चल के थोड़ा व्यंग भी है उसमें, पर जो गाना है वो भी लोक पर आधारित है और बहुत ही अच्छा। एक लाइन, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, और सासू बता तूने ये क्या किया, और सासू बता तूने ये क्या किया, सूख के हो गए हैं छुहारे पिया। क्या मस्ती कर रहेंगे, सूख के हो गए हैं चुहारे पिया बिचारे पिया, आए हाय सब हारे पिया कुछ खाते नहीं है, बहुत बढ़िया, कुछ खाते नहीं है हमारे पिया कुछ ऐसे। बहुत ही बड़ा। अच्छा, ये बताइए कि आप तो नृत्य में भी आपने विशारद किया है, मतलब मैं कौन कौन सी पढ़तें खोलूं जी मैंने किया, मुझे नृत्य में भी बहुत शौक था नृत्य करने का, पर ऐसा था कि जब पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएट जब मैं हुई थी तो पूरे गांव में न जाने पूरे इलाके में मिठाई बटी थी। अच्छा। क्योंकि कोई ग्रेजुएट नहीं था, नहीं था। और फिर हमने गाना शुरू किया, उसको झेलना शुरू किया, फिर नृत्य जो किया तो वो भी बहुत झेलना पड़ा मुझे। हाँ, इतना बीबी को नचवाता है, डांस करवाता है, ये बहुत बुरी बात है, डांस क्यों कर, मतलब बहुत ही झेलना पड़ा उन चीज़ों को। तो हमने ये डर से नहीं छोड़ा, पर संगीत लंबा जा सकता था, मुझे लगा कि मैं उसमें अधिक दिनों तक जो है काम कर पाऊंगी। और दरअसल मुझे कथक सीखने का मन था, पर वहाँ नहीं मिला तो मैंने मणिपुरी सीखा। पर जो भी सीखा मैंने बहुत से, मैं एक बोल सुनाना चाहूँगी जो कृष्ण के डांस का। बिल्कुल। धिन तदगित तदगितांग तदगित तदगित धिन तदगित तदगितांग तदगित तदगित तदगितांग तदगित तदगित तदगितांग तदगित तदगित तदगितांग तदगित धिन ताता धिन ताता क्रकता ताता धिन धिन तदगित धिन तदधिन तदगित तदगित धिन तदधिन तदगित धिन तदगित धिन तदधिन तदगित ताक्रक्रांकित धिन तदगिन धिन तदगिन धिन तदगिन धिन तदगिन धिन तदगित ताता। अभी भी मुझे याद है और बहुत पसंद थे डांस मुझे जी, पर सारा संगीत की साधना संगीत में। बिल्कुल। अच्छा, संगीत की साधना चलते चलते अब भविष्य में आप कहाँ पहुँचना चाहती हैं? हमें मालूम है कुछ नए प्रोजेक्ट्स और कुछ कवियों के गीतों के साथ आप आना चाहती हैं। जी बिल्कुल, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ नए प्रोजेक्ट पर सोच रही हूँ काम करने का, और उसके तहत मैं ये भी सोच रही हूँ कि जैसे गोपाल सिंह नेपाली की या नीरज जी की कविताओं पे या कुछ आधुनिक जो कवि हैं जो बहुत अच्छे लिखने वाले, उनकी रचनाओं को भी मैं गाऊँ। मेरे मन में अब देखिए कि मैं कब तक पूरा कर पाती हूँ। और अन्य जो लोक संगीत में जो अन्य विधाएं हैं उन पर भी मैं काम कर रही हूं और उन्हें भी मैं लाना चाहूंगी अपने प्रिय श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए आगे चल के। और फिर कुछ ऐसे बच्चों को तैयार करना चाहती हूं जो इस तरह से, जो हमारी तरह से गाना चाहें। बिल्कुल। हम जानते हैं कि आपने शिक्षण कार्य किया है, संगीत में पढ़ाया है आपने। जी, तो हमारी कई स्टूडेंट्स भी हैं जो अभी ये टैलेंट शोज जो होते हैं उसमें सब में आ रही हैं और अच्छा कर रही हैं, सर्विस भी कर रही हैं म्यूज़िक के थ्रू, जो नौकरियां होती हैं उसमें भी गई हैं वो लोग, टीचिंग जॉब में गई हैं, रेडियो में जॉब कर रही हैं, ये सब हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे खास करके मेरी विधा से जो अवगत हैं और वो मेरी विधा में चाहती हैं, क्योंकि आज तो बहुत तरह की विधाएं आ गई हैं गाने में, लोकगीत में ही बहुत तरह से गा रहे हैं, वो पॉपुलर तो हो जाते हैं पर टिकाऊ नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हों जो इसको आगे आगे ले जा सकते हैं। लेकिन हम आपको इससे पहले कि धन्यवाद करें, उससे पहले दो पंक्तियां अपने किसी फेवरेट भोजपुरी गीत से। भोजपुरी गीत में
एक गीत मैं गाऊंगी जो मैंने प्यार किया का जो मैंने गाना गाया ठीक वैसा ही है, क्योंकि यही गीत वो था जो सुन के राजश्री प्रोडक्शन वालों ने बहुत ही वो खुश हुए, उन्होंने कहा कि ये आधार मैं लूंगा। अच्छा, ये वो गीत है। कुछ न बोल अब चाहे, और ये गजल नुमा है। अच्छा, कुछ न बोल अब चाहे कौन सजादा कहने का कसूर तनी इतने बता दा, कहने का कसूर तनी इतने बता दा। बहुत बढ़िया। तो शारदा जी, हमें उम्मीद है कि आप ऐसी बुलंद आवाज के साथ सालों साल अपने श्रोताओं को मुग्ध करती रहेंगी। आपकी ये स्वर साधना इसी प्रकार से चलती रहेगी। हमारी ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे और आपके माध्यम से हमारे समस्त चाहने वाले हमारे दर्शकों से मिलकर के उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सुरों को साधने वाली और एक स्वर साधना में लीन शारदा सिन्हा। अगले हफ्ते एक और ऐसी ही शख्सियत व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराएंगे तेजस्विनी में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।